हाय गाइस, ओम नमः शिवाय, जय महाकालेश्वर। जो पल्सर थी कल साफ करी थी हम लोगों ने, उसके बाद आज इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये ना स्टार्ट हो रही नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ना दिक्कत वगैरह आ गई। इसकी हमने सबसे पहले बैटरी चेंज करी थी क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी इसकी, तो इसमें एमरॉन की नई बैटरी लगाई है एकदम। तो फिर इसके कार्बोरेटर को ओपन किया ना, तो इसके अंदर एक पाइप सी रहती है, उसके अंदर से थोड़ा सा पेट्रोल निकला, बट वो ग्रीन कलर का हो गया था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अब ये पूरी पूरी बाइक खोलेंगे। एक साल से ऊपर हो गया था, मतलब ये बंद पड़ी है, मतलब जब से मैं BSc एग्रीकल्चर करता था ना, उसके बाद मैंने जब छोड़ दिया था, मैं वहाँ पे चला गया था LPU, तो ये इसको कोई चला रहा नहीं था। तो अभी इसको देखते हैं, ये वाली जो पाइप है ना, ये पल्सर के अंदर कुछ इस तरीके की पाइप होती है, ठीक है। इसके अंदर से ऑयल निकल रहा था ग्रीन कलर का, और ये वाली हमने बैटरी लगाई है एमरोन कंपनी की, क्योंकि हमारी पहले वाली बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, और इसकी ना 48 मंथ्स की वारंटी है। ये इस तरीके के बॉक्स में आती है, ठीक है, ग्रीन कलर के बॉक्स में आती है। कार्बोरेटर के अंदर से जो ऑयल निकला था ना, वो पाइप के अंदर से ब्लैक कलर की दिखाई दी है, ग्रीन कलर कट था वो, तो इस तरीके का निकलेगा। ये पुराना हुआ वो ऑयल है। ये अभी इसकी हमें ना पूरी की पूरी जो ये टैंक है, टंकी, ये खोलेंगे, इसके नीचे कार्बोरेटर वगैरह साफ करना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये घर पे ही बाइक वगैरह क्यों खोल दी, क्योंकि यार अपन किसी मिस्त्री के पास जाते हैं ना, उससे काम वगैरह कराते हैं, तो वो ना अच्छे तरीके से नहीं करता, मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रैच वगैरह मार देगा, आपकी बाइक को ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कि यार उसको और भी बहुत काम रहते हैं। तो हम लोग का ये है कि यार खुद की बाइक खुद ही खोल लो और उसको वापस से सही कर लो, क्योंकि अपने पिताजी को भाई सब कुछ आता है। बहुत पुरानी बाइक है भाई, इसको 22 साल हो गए होंगे कम से कम, तो आज इसका नंबर लगाया। ये थोड़ी सी अलग टाइप के ना, मतलब स्पोर्ट्स बाइक है, तो इसके ना अंजड़ पंजड़ बहुत ज़्यादा है यार, तो इसको खोलने में टाइम लगेगा अभी। तो ये देखो गाइस, कितनी ज़्यादा मिट्टी है भाई। थी है पल्सर 160 थी अपनी स्पोर्ट्स वाली, पतली सी है इसकी टंकी तो बहुत ज़्यादा ना यार, वो तो शो है ओनली सिर्फ। हाँ मतलब कितना ज्यादा बड़ा सा है भाई ये प्लास्टिक, देख रहे हो तुम, अगर एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है ना, पूरा जाता है, पूरा प्लास्टिक बॉडी है इसकी, कुछ भी लोहे का नहीं है इसमें। ये देखो यार, पूरी प्लास्टिक बॉडी है, ये कवर है पूरा का पूरा। उधर ऐसे लोग है मानो, ये यहाँ ये पकड़ बैठे कर लेता हूँ चीज, ये भी बैठे इतना टूसी है, बल्कि ये तो बिल्कुल रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। देख इसी में पेंसिल पड़ी थी, ये होता है लॉग, इसके अंदर इसको दबाओगे ना, पुश करोगे, ये वाला ग्रीन कलर का। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से कार्बोरेटर निकालेंगे, इसके नीचे होता है इसलिए इस टंकी के नीचे, तो सब कुछ खोलना पड़ेगा, ब्लोवर लाके और इस पे दे दो, ये मिट्टी है पूरी, ये ऐसे ब्रश से हटा के फिर ब्लोवर मार लेना, ऊपर वाले को हटाओ यार नीचे, वो तो मैं हटाऊंगा ही। एक काम करो ना, इसको पहले हटा लेते हैं, फिर उसके बाद ये मिट्टी हटा देंगे, वही कर रहा हूं। कोई नहीं, सब चीज बताऊंगा तेरे को, चिंता मत कर। एक मिनट मेरे को देखने, देखो पाइप कैसी है, तेल तो नहीं निकलेगा क्यों नीचे, सब पाइप ही पाइप है, पाइप ही पाइप पाइप है। शुक्र करो खोल ली, अच्छा किया अपन ने, से क्या होगा अंदर से खत्म हो जाती है सारी चीज। ये कहाँ का निकला है रबर का, ये देखो यहाँ पे भी एक रबड़ है सेम। हाँ तो ये इसी का है, अपन पहले लगा ही दें इसको, पर पता कैसे चलेगा, चौक हो रखा है ये। अरे रुक जाओ, सब बता दो ब्रो, वेट ब्रो। देखो भाई टंकी उठा दी इसकी, एक बार उठाएगा क्या इसको, टंकी को उठाना, साफ करने के बाद ही तो गंदी भी तो पता चलनी चाहिए, इतनी गंदगी है इसके अंदर। ले नीचे से ये देखो ऐसी दिखती है यार, तेल भरा है इसको उल्टी मत करना। हाँ इसमें ऑयल भरा है इसको उल्टी मत करना, छोटी सी नलकी काली सी, इसमें से क्या होएगा जो तेल निकलेगा। ठीक है रख दे इसको वापस,
इतना नीचे कार्बोरेटर देना नीचे था, फिर तो पूरी बाइक खोलनी पड़ती होगी मिस्त्री को। तो भाई वो तो रेड मार देता है निशान पे निशान, वो कोई इतनी सतर्कता से थोड़ी करेगा। तो भाई उसको और भी तो काम करने होते हैं, उसके पास एक दिन की कितनी बाइक आती है ये भी तो सोच। बजा देता अगर वो तेरी ये ये नट अपने पास ही रखना। इसको क्या बोलते हैं जो लगा हुआ इधर, ये इतना बड़ा सारा, कोई दिक्कत आएगी तो वीडियो देख लेंगे। ये ले देखते हैं, ओहो देख कितना अंदर, ये तो भरा पड़ा है यार मिट्टी से पापा। वही तो, इतनी डस्ट मिट्टी है, कहाँ से एवरेज एयर अंदर जाएगी? नहीं जाएगी तो स्टार्ट नहीं हो रही, वो अलग चीज है, स्टार्ट हो भी जाएगी तो एवरेज नहीं आएगी। ये तो बढ़िया कर अपन ने, ये देखो एकदम शानदार, तो इधर से तो साफ ही रहेगा ना। ये एयर फिल्टर यहाँ से जो हवा जाती है अंदर, वो पल्सर तो आई नहीं, यहाँ से हवा जाती है और अंदर जाती है ये। अब यही जाम है उसमें तो आई नहीं इतना कुछ, जरूरी है। एलन की तो हमारे पास थी, अरे इतनी लंबी वहां तक जाने के लिए नहीं है ना, यहाँ इतनी लंबी चाहिए। वो ये वाला है क्या कार्बोरेटर, ये गोल गोल सा? हाँ बापू, इसमें तो बहुत मच मच है यार, बहुत ज्यादा है इसमें तो, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी पाइप कहाँ की है। हमको ना ये वाले नट खोलने, ये जो बोल्ट होते हैं ना, ये जो इधर है ये एलन की से ही खुलते हैं। हाँ इससे खुल गया ये, और एलन की किस तरीके की होती है बताता हूँ मैं। ये जो है ना ये एलन की है, तो ये अलग अलग साइज है एलन की, देख रहे हो, ये अलग अलग साइज की एलन की है। तो हमको, हमारे पास बहुत ज़्यादा पतली थी बट वो वाली थी नहीं, बट फिर वो ना ये जो आते हैं ना छोटे छोटे से, इनसे खोल लिया हम अब उसको। स्पोर्ट्स बाइक का पंगा तो बहुत है भाई। ये जो है ये वाला बॉक्स हटा दिया हम लोगों ने, इसके साथ ये है ना कार्बोरेटर। हाँ यही तो चावल है, कट नहीं जाएगी ऐसे भाई। अरे ऐसे थोड़ी करूंगा मैं, तो हटा रहा हूँ अपनी जगह से उसको, खींचूंगा तो ऐसे ढक देता हूँ इस चीज से। क्या है, तार जा रही है अंदर, रेस है रेस है, छोड़ दे उसको, छोड़ ही रखा है भाई। अपने को तो ये बाइक खोलने में बहुत टाइम लग जाए भाई, अपने से नहीं खुलती है, अपने तो पता ही नहीं कैसे कैसे खुलेगी ये। बेटे तुमने कभी इन चीजों को सीखा ही नहीं तो नॉलेज कहाँ से आएगी। मोनू इधर से डोंगा लिया, ये देखो भाई कार्बोरेटर निकाल दिया हम लोगों ने इस बाइक का, खाना खाती है ना किनारों वाली थाली वो लिया। पापा ये सुजुकी वाली गाड़ी का भी ऐसा ही आता है सेम? नहीं सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन वर्क सबका एक ही होता है। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही थी एक बार बताओ। अभी खोलेंगे तो पता चलेगा ना, वो तो तेल अंदर नहीं जा रहा, चौक हो गया, इसके अंदर तेल नहीं जा रहा था। इसमें क्या है बेटे, यहाँ से जाता है तेल, यहाँ से जो अपने पाइप पेट्रोल की टंकी का जो वो होता है वो इसमें लगा होता है, इसके अंदर से जाता है। ये तेल जो है ये वाला पाइप, ये टैंकी के नीचे, टैंकी के ऊपर ये जो होता है पाइप है ना, ये इसमें लगा होता है, यहाँ से तेल अंदर जाता है। अभी यहाँ से तेल अंदर जा नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर ये पैक हो गया, वरना अभी तेल हवा जानी चाहिए अंदर, क्योंकि अभी तो खाली है। अभी आपने इसमें फूंक मारी तो जा नहीं रही वो, ये मतलब वो पास होनी चाहिए कहीं से, वो अंदर जाना चाहिए ना। ये तो केरोसिन से ही धोना पड़ता है क्या? पेट्रोल से भी धो सकते हैं, पर केरोसिन से अच्छा चलता है, पेट्रोल अपन के पास महंगा पड़ता है इसलिए केरोसिन से धो रहे हैं।
और पानी से नहीं, पानी से थोड़ी, पानी से तो गंदगी उतरेगी नहीं ना, पानी से तो अंदर तेल डाल देंगे तो चिकना वो अलग से उतरेगी नहीं ना, वो अंदर अलग से साइड में रहते हैं। एक बार देखिए फिल्टर के ऊपर तुम गंदा बहुत हो गया, उसी पर बैठ के लग के। मैं नहीं बैठा भाई उस पर, कितनी पाइप है भाई, कितनी इस बाइक में बहुत पाइप है। ये भी जाम होया पड़ा है, इस कार्बोरेटर को खोलने में आधा घंटा लग गया होगा। जाम होया पड़ा है, ये देख ये जाम हो गया, ये नीचे जाना चाहिए था धीरे धीरे करके, ये यहीं के यहीं पैक का पैक हो गया। कैसे नीचे जाना चाहिए, ये भी ऊंचा पड़ा है ना, ये ऊपर नहीं नीचे और जाना चाहिए था। ये अगर टाइट होती ना एक क्लैंप और इसको ढीली कर देते तो ये इधर से ये निकल जाता, ये उसके साथ ही रह जाती इंजन। अच्छा, अपन ने दोनों लूज कर दी कि जो जैसा खुले एक बार खुल जाए ताकि बाद में इसको पकड़। अपने को इस गाड़ी का पता भी तो नहीं है क्योंकि आपने इसको कभी खोल ली नहीं पहले, इसीलिए। और फिर पता नहीं कौन सी चीज छोड़, एक बार छोड़ दे कौन सी चीज जाम हो, पहले तो वो सही करेंगे ना जो जाम है। ये क्या तो कंफर्म है कि ये कार्बोरेटर के कारण नहीं हो रहा दिक्कत सारा, अब ये सही तेल नहीं जा रहा ना, अब तक तो कितना तेल निकलता है इसको टेढ़ा करते ही। नहीं तो तेल तो हमने पहले ही निकाल लिया, लेकिन अंदर नहीं जा रहा ना। अब इसमें जो नया तेल है ना टंकी में वो हरा नहीं है, वो येलो है, हरा तो इसके अंदर अंदर का था वो, क्योंकि ये जाम हो गई वो तेल था। इस हिसाब से तो मिस्त्री सही पैसे लेता है, वो खुद के 500 रूपए जो 1000 रूपए लेता है खुद की मतलब मेहनत के। इसकी मेहनत कितनी लगती है पूरे दिन में, ये पाइपे के इसके साथ चिपक जाती है। बट उसको बट वो जल्दी खोल देता है ना भाई, क्योंकि उसको पता होता है, पता है ना। मैं अब अपन दोबारा खोलेंगे तो अपन भी जल्दी खोलेंगे, दूसरा अपने को अपन थोड़ा ये ध्यान रखते हैं कि स्क्रैच ना लगे, ये ना लगे, वो ना लगे, उनको ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फुटे अगले के और नहीं तो क्या, सही बात है, वो इतना ध्यान नहीं रखता। अभी क्या चिपकी हुई थी जब इतना टाइम लगा, पपे उससे खुल सकता है, हमारे पास जो एक मशीन है उससे नहीं खुलता, इतना जोर हाथ से लगा रहे हैं वो मशीन तो फेल हो जाएगी। ये बहुत ही ध्यान से खोलने वाली चीज है, ये ना टूटे कहीं ना, ये होता है मेन, इस पे कहीं स्क्रैच नहीं है अभी देख, ट्रांसमिशन एकदम सही है, ओके है। लेकिन ये देखिए ये आ गया ना इसमें, अब ये पड़ा 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 इसके ऊपर ये आ गया ब्लैक कलर का जो है, हाँ ये इसके कारण से अंदर जा भी नहीं रहा था। तो ये इतनी सी चीज के कारण दिक्कत थोड़ी कर देगा, और भी बहुत चीजें हैं, देखना ये इसके अंदर पड़े पड़े ना, ये जाम हो गई, जेट भी तो जाम हो गई होगी ना। ये इधर से मेरे हाथ के ऊपर थोड़ी आ जाए, स्लिप मत होने दे, घुमाने में जोर लगा, छोड़ दे स्लिप होएगा, यहाँ पड़ा है। रुको एक बार, नट खुल जाए बस, क्या बात है मनु, तेरे तो नट खोल दिया कार्बोरेटर का, वो लंबा पीसकस था ना उससे भाई, ये नट ना कम से कम 5-10 मिनट ले गए, ये हमारे दूसरा हो रहा है, एक और स्लिप मत होने देना, मुंह दिखेगा नीचे जाके। स्लिप हो रहा है मनु, तो लाल हो लिया। चलिए चूड़ी खराब होने का डर है, जैसे लगे स्लिप और छोड़ दो, चूड़ी खराब हो गई ना फिर अपन कहीं, जैसे ही अगर लग रहा है ना कि घूम जाएगा है, हाँ। खुले बिना चूड़ी खराब हो जाएगी, वैसे छोड़ दो। पहले पेट्रोल फिर केरोसिन फिर डीजल, केरोसिन से पहले तारपीन का तेल बनता है जो ये है, तो नट खोल दे भाई, अपना कार्बोरेटर खुल जाएगा, बू बू रहने दे।
इसे ठोक दो यार एक बार। ठोक दिया एक बार, देख तो सही तेल से। अब तो खोल देगा मोनो। ये बात कट की आवाज आती है भाई, ऐसे लग रहा है तनेड़ सी चल गई। तो जाओ है पड़े आते हैं अंदर से, ये हल्का सा करो कर टूटना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ये कार्बोरेटर का ऊपर का टूट जाता है? और नहीं तो क्या, टूट गया तो ये तो लोहे का है, पर लोहा नहीं होता, लोहा नहीं होता है, वो बड़े आराम से खोलना पड़ता है। ओहो हरा ही हरा जम रखा है अंदर, इसे भी हरा कर दिया पूरा, पूरा जाम हो गया सारा, ये पड़े पड़े तो जाम हो गए, चलेगी कहाँ से ये सारे जाम। ग्रीन कलर का हो रहा है ये तो पूरा, ये इसके अंदर देखो खराब हो रहा है। हाँ तो ये सारे जाम हो गए बेटे, थाली ला मनु इधर, बहुत ज्यादा गंदे नट जाम हो गए सारे ही, ये चिपक गया अंदर जाके। वो देख वो ये यही जाम हो गई, ये तेल अंदर जा ही नहीं रहा इससे, अब बता वो ऊपर आनी चाहिए, वो अंदर चिपक गई वो तो। तू क्या सोच रहा है, एक बार में बैटरी लेके आ गए क्या हम बिना सोचे समझे? उसको चार्जर से चार्ज कर करके देखा कितने दिन तक, उसमें लिक्विड बदल के देखा, ये लग रही है क्या? हाँ यही लगेगी, उन्होंने ये क्या चीज है, ये रुकना है। ये बोला जाम नहीं पता, हर राज होली बंद हो गया इसके अंदर, क्या है भाई? मनु आजा, एनर्जी ले ले तूने, बहुत पकड़ इसको, थोड़ा चोकते हैं नट को हल्का सा। तो अब इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, क्लीनिंग करेंगे और क्या करना चाह रहे हैं? इसको पूरा खोल देंगे, पूरा तार पे नहीं तेरे साफ करेंगे इसको, जितना नहीं जो जो चीजें इसमें खोलने लायक है वही खोल लेंगे, ऐसे नहीं टूटे। क्या बात है यार, मोनू तो बहुत कुछ खोल रहा है। भाई वैसे ना मैकेनिक एक चीज देख, इतना पढ़ा लिखा नहीं होता फिर भी वो पूरी गाड़ी कर देता है सही भाई, वो है ना एक्सपीरियंस नॉलेज है ना, उसको पता है क्या चीज कैसे खुलेगी, वो आड़ी चिर चिर करता हूँ नहीं खोलता। ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है ना, देख ये जाम हो गया, ये देख और ये बाहर आनी चाहिए, ये देख कितनी जाम थी इसमें, ये आ गया कचरा, ये ऊपर उड़ जाती ना तेल अंदर आ जाता अपना सारा। भाई कितनी बारीक बारीक चीजें हैं देख, अगर ऐसी गायब हो गई, बहुत बारीक है भाई, ये तो पता नहीं ऐसे क्या नुक्का सा गया यार, गायब हो गए तो पूरा कार्बोरेटर खरीदना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, बस अब ये चीजें ही साफ करनी है, इसको भी करना है, ये सारा गंदगी और ये पूरा का पूरा साफ कर लेंगे हम लोग अभी, पेट्रोल से या फिर केरोसिन से है ना। मेरे इसकी खुशबू बढ़िया लगती है पेट्रोल की, मेरे तो जुकाम हो जाता है इससे, खुल जाता है नाक भाई। देखो गाइस कार्बोरेटर खोल के साफ कर रहे हैं, कितनी ज्यादा दिक्कत थी इसके अंदर, ऐसे ही आपकी पल्सर जो इतने टाइम से बंद पड़ी है ना उसमें यही दिक्कत हो सकती है, वह कार्बोरेटर जाम हो जाता है पड़े पड़े बाइक होगा। मनु आर पार देखना इसके होल दिख रहा है क्या, चल लाइट आती दिखेगी सूरज के सामने करेगा, मेरे को लग रहा है कुछ दिख भी रहा है। हाँ लाइट आती दिख तो रही है। ओहो वो दिखा, ले दिखा दो इधर। हाँ एक छोटा सा है, सुई जितना छेद है इसमें, मैकेनिक आया वो थोड़ी लगाएगा माइक्रोस्कोप, दिख गया कैमरे में भी दिख गया, ये देख रहे हो सुई जितना बारीक, ये पहले जाम हुआ पड़ा था अब सही हो गया भाई, कैमरे में भी दिख गया बता काफी है ये, इसके ऊपर जो रस्ट जैसा आ रखा है ग्रीन ग्रीन, ये हटा रहे हैं अपन, वरना ये तेल में फिर मिक्स हो जाएगा। दिखाते इसके अंदर के ये छेद, ये वाले तो शायद ही दिखेंगे। हाँ भाई आर पार दिखने लग गया, सही कह रहा है, कैमरे में भी दिख गए यार, मोनू ने साफ तो करा ही है, ये देखो वाह भाई क्या चमक रहा है। तो ये वाला साफ करना है, ये सारी चीजें छोटी छोटी जो भी निकली है ना इसमें से सब साफ करनी है एकदम रगड़ रगड़ के।
हरा हरा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये देखो हमने सब चमका दिया है भाई। इसके अंदर वो दो बाल्टी जैसी थी कुछ, वो क्या थे ये? वो फ्लोट वाल्व कहते हैं उसको। ये देखो ये फ्लोट वाल्व, इससे तेल का अंदर बाहर होता है तो पूरा भरने पे ये रोक देता है तेल अंदर जाना। ये भी साफ करने है क्या? ये खुलती है क्या बाल्टी? व्हाइट से ग्रीन रखी है। ये देख रहे हो व्हाइट से ग्रीन हो गई। ये मेरे को लग रहा है जो हम बाइक चलाते हैं उसके अंदर, इसमें कार्बोरेटर में जो तेल था उस दिन वो पड़ा रह गया बस, और वो धीरे 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 जाम हो गया। एक साल में ऐसा होगा भाई तेल, सोच। माने भाई जब भी खड़ी करो ना तो बाकी तेल निकाल दो, है ना? नहीं फिर तो वो और जाम हो जाएगा। नहीं कर दो तो वो तो एक साल तक खड़ी है तो वो तो होगी कुछ। इसका सिस्टम क्या, एक नीचे बाकी सारे ऊपर, न्यूटन बीच में, एक फर्स्ट गियर से ऊपर एन है। वो देखो वो उधर पैर का एक डिजाइन बना है ना। अरे तो भाई नीचे ही तो है न्यूटन। न्यूटन नहीं होता, न्यूट्रल होता है। जी देखो कितनी बढ़िया, एकदम ग्रीन ग्रीन सा सारा साफ हो गया। फोन ले इसको, है ना, इसलिए ना टूटे, इसको रगड़ के सारा, है ना, ऐसे ध्यान से ज्यादा मत मारना कि ये भी खराब हो गई क्या। इसको हमेशा इस तरह से मारा जाता है ताकि ये मिट्टी बाहर निकले, ये साफ नहीं हो रहा। इसको अपन किसी चीज होना पड़ेगा ना, पहले इसको अपन यहाँ से पीछे की तरफ से मारनी चाहिए खोल के। हाँ, और फिर इसको पहले धोएंगे अपन, फिर इसको लगाएंगे। इस टंकी को साफ कर देना तू, है ना, बैठे बैठे वो कर देता हूँ उसको पूरा साफ कर दे। वो तो उसके अंदर अंदर का था, तो ये तो सही तेल है, ये तो मोनू ने खुद की वो भरी है उसमें बकायदा पूरा ये इससे। हाँ मोनू ने निकाला था तेल सुजुकी में डाला था जब। केरोसिन इससे नहीं होता, खाता नहीं, पहले केरोसिन से करके बाद में पेट्रोल डाल देंगे ताकि साफ हो जाए सारा। बहुत टाइम से हो गया पापा इसको तो अपन करते हैं साफ, अभी तक साफ नहीं हुआ। ये तो ये मिनटों में साफ करा रहा है क्या? करा तो रहा है, कितना लगता है सारी चीजें साफ करने में? सारा साफ है बंदे, ये तो अभी हो थोड़ी गया, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसे। आज की पूरी रात हो जाएगी ऐसे तो, है ना? हो गया यार, खाली आधा घंटा मैक्सिमम है। देखो कितनी मिट्टी निकली है भाई, हाथ रंगने पड़ते हैं इसके लिए। गंदगी साफ करने के लिए हाथ खुद गंदगी में करने पड़ते हैं। अगर तुम सोचोगे कि बिना हाथ खराब करे हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये हाथ बेटे ऐसे ही नहीं हुए, ये बाइक के साफ कर करके ही हुआ हाथ। देख रहे हो तुम, ये मजदूरों के हाथ होते हैं। जिम करके हुए ना ये तो? जिम करके कहाँ हुए, घर बनाने जाता हूँ मैं, दिहाड़ी में जाऊंगा। आज की तो छुट्टी है मेरी। अरे यार घर का ही काम कर दे वही बहुत है भाई, घर का काम करने से घर नहीं चलता ना। ओहो इतनी बड़ी बड़ी बात करने लग गया पापा ये तो। बाप तो सलाह नहीं क्या करे तो यार, सारी मैं बाप पे बोझ नहीं बनना चाहता, सारी जिम्मेदारी इस पे आन पड़ी। मैं बाप पे बोझ नहीं बनना चाहता भाई, बाप कब तक कमाएगा, खुद को भी कुछ करना चाहिए। पूरा कॉल हो गया ये केरोसिन, व्हाइट कलर का लिया था। जब आया था, जब नहाया था, इसने तो पिनक लगा दी टेन, तो भाई कुछ रह नहीं जाए इसमें कचरा। तो
बताओ, तेरी भाई की साफ कर रहे हैं हम। भाई तेरी है, मेरी तो कुछ नहीं है। ले डब्बा, मेरे सामने कोई नहीं बोल सकता। ये एयर वाला था ना, एयर वाला बॉक्स है ना, एयर वाला थोड़ी था भाई, पेट्रोल का था ये भी ना, पेट्रोल की पाइप। टंकी धोती, अगर यहाँ चला गया ना मेरा लग रहा खराब हो जाएगा। चल गया टंकी, टंकी पानी धो धो रहा है, देखो तो लच कर दिया इसने ज्यादा ही। अब वो पता नहीं मीटर जगेगा नहीं जगेगा, ये शायद तक ना पेट्रोल कितना है उसकी वायर है जो शो करता है ना रीडिंग, तो इसने पानी निकाल दिया। भाई हर चीज साफ करनी पड़ेगी, छोटी से छोटी जैसे भी करो, तार वायर डाल इसके अंदर बेटे होल बंद होने का। तार पता है कौन सी है, वायर के अंदर से निकलती है तार। अब साफ दिखाना पापा जी क्या कराइए, ये करा यार साफ। भाई हर चीज साफ करनी पड़ेगी आपको। अब सोच लो जब ही खोलना आपकी बाइक खुद से, अगर हर चीज साफ कर पाओ तो। ये देख रहे हो होल दिख रहा होगा इसके अंदर एकदम, इसको खोल लो फिर। भाई इसके अंदर ना ध्यान देना कि आपको ना सारे के सारे, ये वाला जो है ना, ये इसके अंदर बहुत बारीक सा एक छेद होता है सुई जैसा, तो उसका ध्यान रखना यार। ये इतना पतला वायर है, इससे हमने इसको डाला था, ये पूरा का पूरा इसके अंदर जाएगा, तो जो बहुत बारीक सा छेद है ना इसके अंदर, वो जब ही साफ हो पाएगा अगर इस तार से साफ करोगे। इन सब में ना फूंक मार मार के देखना मुंह से, अगर वो पास हो रही है इसका मतलब सही हो गया, और अगर वो पास नहीं हो रही ना तो इसका मतलब वो सब खराब ही पड़ा अभी तक। हर एक आपकी जो एयर है ना वो पास आउट होनी चाहिए कहीं ना कहीं से। एकदम फिटिंग की लेके आया हूँ, कहाँ से निकला है वो, ये निकला निकला निकला, साफ हो गया मतलब, बढ़िया। इट मींस ये साफ हो गया। ये देखो एयर फिल्टर खोल दिया गाइस हमने। ये पापा ऐसे कलर का होता है ना, ग्रीन कलर का, उधर से भी ये साइड येलो हो सकता है। ये साफ है एकदम ना, ये एयर फिल्टर साफ कर रहे हैं हम लोग अभी। इसके अंदर देखो कितना ज्यादा गंदगी निकल रही है, ब्लैक ब्लैक कलर। वो एक ब्रश लेना, वो जो वो ये क्या डाल रहा है, तारपिन का तेल नहीं, तारपिन का नहीं, केरोसिन। चमक ही रहा है वो तो, इतना खराब था ही वही तो, ब्लैक ब्लैक था, कितना साफ हो गया भाई। वीडियो के अंदर ना पहले वाला दिखाऊंगा तेरे को मैं, ये हम चाहते तो चेंज भी कर सकते हैं ना, इतना गंदा हो जाए तो। पूरा पूरा नया आता है, यही नया आएगा। व्यापार अभी इसलिए यही साफ करें क्योंकि वो नया है नहीं हमारे पास, नया है नहीं, और इतना ज्यादा खराब हुआ नहीं ना ये अभी। ये इसमें एयर क्रॉस हो रही है, एयर क्रॉस ना हो तब बात अलग है, अभी ये क्लीन है, इतना चला नहीं ना गाड़ी। अंदर वाला हिस्सा है तारपीन के तेल से, इसलिए साफ करा था कि ना ये उड़ जाता है, इस पे हवा हवा से उड़ जाता है ये अपने आप ही, पानी से करते तो फिर वो सूखता नहीं, तो ये धीरे 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 गायब हो जाएगा। पहले से थोड़ा बहुत साफ तो हो ही गया इस तरीके से। ये पेट्रोल से भी कर रहे हैं क्या साफ, पेट्रोल है ये, गंदे से नहीं करना, साफ से होना। ये नया कितने का आ जाता है बस, मुझे एकदम चमका देनी है गाइस। जो भी पुर्जा खोल लो ना आप इस बाइक का, पल्सर का, उसको एकदम साफ करके उसके बाद ही लगाना, बहुत बढ़िया।
पेट्रोल से साफ करोगे ना उसके बाद इसके ऊपर ना ये ब्लोवर मार देना, देख रहे हो ये ब्लोवर मार देना। ये बेटे डस्ट है बाहर की आई हुई, वही तो मैं बोल रहा था इसके पार्ट है ही नहीं है। ये बाहर से क्या है वो जम गई ना डस्ट, वही तो वो जैसे जैसे उससे खिंच जाएगी उल्टा करके, वो तो करेंगे पर पहले बड़ी बड़ी उतार। ये भाई एयर फिल्टर लगा के पूरा का पूरा तैयार है गाइस। तो फिर अगर उड़ेगा जब दिखा देंगे। अगर बाइक स्टार्ट नहीं होती ना तो कभी कभार ये फ्यूज उड़ा होता है, इसको खोल के देख लो, और अगर फ्यूज आपके अंदर नहीं कर पे तो दो तार लगा लो। चलाता हूँ मैं वरना इधर दर्द होने लग जाता है। एक साथ तो मैं दूध ही नहीं पी पा रहा, ये तो रात को दूध पिया नहीं था मैंने एक्स्ट्रा, वो रखी गर्मी शुगर करो छाले नहीं हो रहा अभी पर वाले के पास है। जिम पहन लूँ आज टाइम मिला तो। अरे यार हेल्थ खत्म हो रहा भाई तो है थोड़ी थोड़ी मशीन रखी बंद हुई देखो ठीक है कुछ नहीं करना तो मैं। अरे जो हो गया बढ़िया है अब देख आ रहा है ना, पहले नहीं आ रहा था ना ऐसे ऊपर के ऊपर जाम हो गया था, अब देख से स्मूथ होना चाहिए। अच्छा अभी इतनी स्मूथली पास हो रही है एयर है ना। ये ट्यूब लगानी जरूरी रहती है क्या? तो अभी इससे रबड़ खराब नहीं हो जाएगा इसके ऊपर चिपका रहे, अगली बार खुल जाएगी है। इसके ऊपर पहले भी ये ट्यूब लगी हुई होती है क्या? देख उधर चिपकाई हुई है, देख यार उधर उस बाइक पे सुजुकी पे दिख जाएगी तेरे को। और ये वाली ट्यूब एक और है, अच्छा दोनों सेम ही है क्या? अगर ये ट्यूब नहीं लगाएंगे तो लीक होएगा तेल, संभावना रहती है। हो गया ये कार्बोरेटर के अंदर को ऑयल इसी पाइप में से निकला था जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, ओवरफ्लो पाइप। ऐसे फूंक मार मार के टेस्ट कर लेना भाई, सारी की सारी हर एक जगह से एयर फ्लो बढ़िया तरीके से होना चाहिए स्मूथली। कहीं से भी अगर हार्ड तरीके से हो रहा है ना स्मूथली पास नहीं हो रही है मतलब समझ जाना भाई जाम जूम है आपकी, अंदर से कोई ना कोई चीज आपने ढंग से साफ नहीं की। खराब हो गया था क्या ये आगे से? कट गया ना। इसको पकड़ना कार्बोरेटर हाथ से ही कर दूं क्या मैं? हो गई बस। ये रेस वाली वायर है ना, क्या हुआ? थ्रोटल बोलते हैं, थ्रोटल। ये रेस की वायर को क्या करना क्या आपा? ये पाइप थी तो आपको पता कैसे चल रहा है कौन सी पाइप की थी? तो उसी जगह पे है ना, खोली मैंने उसी जगह पे ही है, खोल दी थी ना मेरे को याद है।
ठीक है, एक यहाँ की पाइप और काली सी, ये ओपन ही रहती है, ये एयर के लिए होती है। कौन सी है ये पाइप? ऐसी ऊपर टंकी की। बंद करने में थोड़ा मच रहेगा, एट थोड़ा ढंग से लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो भाई सबसे पहले ना ये कार्बोरेटर कस देना, ठीक है, ये दोनों क्लिप लगा देना, ये कार्बोरेटर कस देना, उसके बाद ये एयर फिल्टर लगाना है आप लोगों ने। अगर पहले एयर फिल्टर डाल दिया तो कार्बोरेटर कसा नहीं जाएगा। हरे रंग का डब्बा, नीले रंग का। और ये एयर फिल्टर की ना जो क्लिप होती है गोल सी सिल्वर कलर की, वो क्लिप इसके अंदर लगा के छोड़ना पहले, उसके बाद उसको टाइट कर देना। वो ये वाली क्लिप है, ये देख, इस क्लिप को पहले इस पे लगा देना, उसके बाद इसको कसना। एयर फिल्टर को बाद में डाल देना इसके अंदर। ये ना कार्बोरेटर और एयर फिल्टर को लगाने में बहुत जोर आएगा आपको, आपको समझ नहीं आएगा, पर कोई बात नहीं, पहले कार्बोरेटर फिट कर लेना, उसके बाद डालना इसको एयर फिल्टर को। अगर पहले ही लगा दिया वो नहीं लगेगा भाई, इसमें थोड़ा सा कलेश है। गाड़ी जब खोलोगे ना तो बहुत ध्यान से खोलना, और जब पैक करो इस गाड़ी को तो भी बहुत ध्यान से करना, तब तब डबल ध्यान। हाँ, अब इस टंकी की बारी है, ये कसी जाएगी। एक बॉक्स के अंदर अलग से रख लेना सारे के सारे बोल्ट, ये सारे के सारे इस बाइक के हैं जो हमको कसने हैं, तो आपको याद रहेगा, इधर उधर मत रखना कोई भी बोल्ट, है ना। थोड़ी सी स्क्रैच पड़ गया इस पे, कोई नहीं, कहाँ लिफ्ट में स्क्रैच नहीं है भाई। आप लोगों को ना अगर आपने पहले बाइक नहीं खोली, पूरा दिन लग जाएगा इसको साफ करके बांधने में। बढ़िया हाथ पे रख दिया बापू पिता ने, ऊंचा उठाना आगे से थोड़ा सा। ये कार्बोरेटर वाली है क्या? कार्बोरेटर के अंदर जो ऑयल जाता है, जैसे पेट्रोल जाएगा। दिखा देखे एक बार, हाँ लग गई पाइप। वो ट्यूब ला इसको चिपका देते हैं उतर के, वरना ये फिर गिर जाएंगे, कभी किसी मिस्त्री के पास जाएंगे तो कोई नहीं चिपक जाएंगे। तो वो ट्यूब ले तो अंदर आते हैं ना टंकी, दो पन्नी तो ये इसके बिना चिपके ही कैसे। तो वो ग्लू वाली है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नहीं चिपकेगी बेटे। अरे वो साइकिल वाली ट्यूब पड़ी है ना, वो ले आ। इससे क्या होगा? अरे जाना ही जाएगा, इसकी ढक्कन का है, पहले कर ले इससे। हाँ हो गया, हो गया एकदम ओके। गियर में है ये, गियर तो हटाओ, गियर क्यों लगा? स्टार्ट हो गई पहली बार में, हो गई इतनी मेहनत करी है, स्टार्ट तो होना ही था इसको। ये गाइस स्टार्ट हो गई हमारी बाइक, सात हजार ही चलाई बस में। 7,000 हाँ, जब ही नहीं कॉलेज ही तो जाता था बस में, और क्या करता था इससे। हाँ लाइट जलती रहती है इसके आगे की। तो भाई अपनी बाइक हो गई एकदम रेडी, सब कुछ इसका सही कर दिया, कार्बोरेटर खोल के पूरा एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ सही कर दिया,
और ये बहुत बढ़िया हो गई अब। तो भाई इसके ना चाबी लगा के स्टार्ट करके दिखाता हूँ, देखो स्टार्ट हो गई। कुछ नहीं, अभी कितनी प्यार से स्टार्ट होगी देखना, देख रहे हो क्या बात है। एन में नहीं दबाना पड़ता, जब न्यूट्रल होती है ना हमारी गाड़ी, जब ब्रेक बिना दबाए स्टार्ट हो जाती है, देख रहे हो क्या स्मूथ। किसी में कम करूंगा, सही है रेस तो हल्की सी, अभी चलाएगा ना उसके बाद एडजस्ट हो जाएगी, सही होगी भाई अपनी बाइक एकदम, देख रहे हो चकाचक भाई, बहुत तगड़ी चलती है यार, बहुत स्मूथ चलती है ये, बस स्टार्ट नहीं होती ना तब दिक्कत हो जाती है, बाकी है एक नंबर। लकी यार ना पेट्रोल कोटिंग हो गया था, पेट्रोल लगा दूंगा पॉलिश। हाँ तो गाइज, आज अपन ने पूरी की पूरी बाइक चमका दी थी और उसका कार्बोरेटर साफ कर दिया, एयर फिल्टर साफ करके पूरी की पूरी मजबूत एकदम लगा दी, ठीक है। तो लास्ट में आपको दिखाया पूरी बाइक स्टार्ट होगी एकदम, बहुत स्मूथली स्टार्ट हुई बाइक अपनी। तो आपने इतनी वीडियो देखी, इतने टाइम तक रुके रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अगली वीडियो कुछ और लेके आएंगे अपन बढ़िया सी। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक इट। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना हो कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।